नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। भगत सिंह एक नाम जिससे अंग्रेज थरथराते थे और हर हिंदुस्तानी जोश से आज भी भर उड़ता है, पर क्या आप उस नाम को जानते हैं, उस शख्स के बारे में जिससे खुद भगत सिंह जोश से भर उड़ते थे? आप उस नाम को जानते हैं, उस शख्स के बारे में जिन्हें भगत सिंह भी अपना गुरु मानते थे? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस शख्स के बारे में जिसने छोटी सी उम्र में देश के लिए स्वयं को भेंट चढ़ा दिया। उसे स्वतंत्रता आंदोलन का अभिमन्यु भी कहा जाता है, जिसने मात्र 19 साल की आयु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उसकी 104वीं पुण्य तिथि है और उसका नाम था करतार सिंह साराभा। करतार सिंह साराभा का जन्म 24 मई 1946 को पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित साराभा गांव में हुआ था। करतार सिंह के पिता का नाम सरदार मंगल सिंह और माता साभी कौर थी, लेकिन उनके सिर पर ज्यादा समय तक पिता का साया नहीं रह पाया। इसके बाद वह दादा सरदार बदन सिंह के छांव में रहे। लुधियाना में ही करतार सिंह की शुरुआती शिक्षा हुई। यहां से कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद वह उड़ीसा चले गए अपने चाचा के पास। उड़ीसा से ही उन्होंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास होने के बाद वह आगे की पढ़ाई विदेश में करना चाहते थे। उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका पहुंच गए। खर्चों के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगे। यहाँ उनका सामना अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे नस्ली भेदभाव से हुआ, जो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का पहला और सबसे बड़ा कारण था। यही करतार सिंह की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। वह वहां पहले से ही अमेरिका में रहकर ही भारत की आजादी दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। भारत की आजादी के लिए 25 मार्च 1913 को ओरेगन राज्य में हिंदुस्तानियों की बैठक हुई। यहाँ लाला हरदयाल सिंह ने लोगों से कहा कि मुझे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले युवाओं की ज़रूरत है। इतना सुनते ही करतार सिंह खड़े हुए। कम उम्र के करतार सिंह का यह जज्बा देख हरदयाल सिंह ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद इसी साल 21 अप्रैल को अमेरिका में ही गदर पार्टी का गठन किया गया। इसी नाम से एक वीकली अखबार भी निकाला गया। इस अखबार की कमान करतार सिंह को सौंप दी गई। भारत को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए करतार सिंह ने योजनाएं बनानी शुरू की। करतार सिंह ने सचिंद्र नाथ सान्याल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राज बिहारी बोस आदि बड़े क्रांतिकारियों से मिलना शुरू किया। करतार सिंह ने जालंधर में एक पार्टी का आयोजन भी किया। इसमें सभी क्रांतिकारियों ने हिस्सा भी लिया। यहाँ के सुझाव पर राज बिहारी बोस पंजाब आकर क्रांतिकारियों के संगठन के अगुवाई बने। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छोड़ने की तारीख भी तय कर दी गई। तारीख तय हुई 21 फरवरी 1915। लेकिन इस तारीख और प्लान का राज एक गद्दार कृपाल सिंह ने अंग्रेजों को बता दिया। इसकी भनक क्रांतिकारियों को लगी तो 19 फरवरी की तारीख पर सहमति बनी। हालांकि 19 नवंबर के बारे में भी अंग्रेजों को पता चल गया, जिसके बाद सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई, जिसके चलते करतार सिंह ने अपने एक करीबी के घर रुक गए, लेकिन वह भी गद्दार निकला। करतार सिंह की सूचना अंग्रेजों को देकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। करतार सिंह साराभा और उनके साथ के 24 क्रांतिकारियों के खिलाफ राजद्रोह, डकैती, कत्ल का मुकदमा चला गया। कोर्ट ने करतार सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। करतार सिंह और 6 क्रांतिकारियों को 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। गदर आंदोलन तो सफल न हो सका, लेकिन सरदार करतार सिंह ने देश में क्रांति की ऐसी लहर पैदा कर दी कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए और अपने पीछे छोड़ गए दिल में धधकती लौ के साथ भगत सिंह जैसे कई वीर क्रांतिकारी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।